हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, लौकी की लॉन्च खाना तो लगभग लोगों को पसंद ही होता है, चाहे व्रत हो या वैसे ही हमें लौकी की लॉन्च अच्छी ही लगती है। आज मैं आपको केवल 15 से 20 मिनट में बिल्कुल बाजार की तरह लौकी की लॉन्च बनाना बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। लौकी की लॉन्च बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो बिल्कुल कच्ची लौकी ली है। देखिए, ये बिल्कुल हरी हरी कच्ची लौकी है। आजकल लौकी का सीजन भी है तो लौकी बहुत अच्छी आ रही है। इसके आगे और पीछे का हम डंठल निकाल देंगे और एक पीलर की हेल्प से इसको पील कर देंगे। फ्रेंड्स, आपकी लौकी जितनी कच्ची होगी उतनी ही लौकी की लॉन्च अच्छी बनेगी। देखिए, मैंने अपनी दोनों लौकियों को अच्छे से पील कर लिया है। अब इसे बीच में से हम 2 हिस्सों में काट देंगे। देखिए, मेरी लौकी बिल्कुल एकदम कच्ची है। अब हम एक कद्दूकस की हेल्प से सबसे बड़े वाले खाने से हम इसको ग्रेट कर लेंगे, जिससे हमारा रेम एकदम लच्छा एकदम मोटा मोटा अच्छा सा आए। हाँ फ्रेंड्स, अब हमें लौकी को इस तरीके से घिसना है कि इसका बीच वाला पार्ट बिल्कुल भी ना आ पाए। देखिए, मैंने अपनी लौकी को कितना अच्छे से घिस लिया और इसका बीच का पार्ट मैंने निकाल दिया है जिसमें बीजे होते हैं। हमें गूदा और बीजे वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट कर देना है। लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि लौकी घिसने के बाद तुरंत काली सी पड़ जाती है। अब इसको एक स्ट्रेनर से छान लेंगे और इसका लगभग पानी हमें निकाल देना है। जितना पानी आप हाथ से दबाकर निकाल सकते हैं उतना पानी निकाल दीजिए, उतनी ही जल्दी आपकी लौकी की लॉन्च बनेगी। देखिए, दबा दबा के मैं लगभग लौकी का पानी निकाल ही दे रही हूँ। और ये देखिए, मैंने सारी लौकी का पानी निकाल दिया है। अब गैस पर मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ली है, उसमें मैं 1/2 लीटर दूध डाल दूंगी। और दूध को अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ी देर में देखिए, दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें अपनी लौकी डाल देंगे। हमें लौकी को दूध में अच्छे से गलाना है। सारी लौकी अपनी इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरीके से दूध और लौकी को मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारी लौकी दूध में पक जाए। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में दूध बिल्कुल आधा हो गया है और लौकी लगभग गल गई है। अब इसमें मैं 1/2 कप चीनी डाल दूंगी ताकि दूध के साथ चीनी भी अच्छे से लौकी में पक जाए। फ्रेंड्स, दूध सुखाने के बाद चीनी डालने पर थोड़े दाने दाने से रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा दूध रह जाने के बाद हमें चीनी डाल देनी है। अब इसका रेशा लच्छा बना रहने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। घी, मिठाइयाँ देसी घी में ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने देसी घी ही यूज़ किया। अगर आप डालडा घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैंने 1/2 पिंच ग्रीन कलर लिया है, जिससे हमारी लौकी की लॉन्च बिल्कुल बाजार की तरह लगेगी। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरी लौकी की लॉन्च का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से लॉन्च में मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा लच्छा बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। हमें लौकी की लॉन्च को इसी तरीके से रखना है। अब इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी और डाल दूंगी और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखिए, सारी लौकी का पानी लगभग सूख गया है। अब मैंने इसमें 100 ग्राम मावा लिया है।
अगर आप मावा यूज नहीं करना चाहते हैं तो दूध की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन बाजार में मावा यूज करते हैं इसलिए आज मैंने बिल्कुल बाजार की तरह लौकी की लौंज बनाई है। ये देखिए सारा मावा भी अच्छी तरीके से लौकी लौंज में मिल गया है। अब हम लौकी की लौंज को बिल्कुल पैन छोड़ने तक पका लिया है। देखिए मेरी लौंज बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने रख देंगे। तब तक मैंने एक ट्रे ली है, उसमें हम थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देंगे। अब अपने लौकी के मिक्सचर को ट्रे में डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर अपनी ट्रे में अच्छे से फैला दिया है। अब इसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो इसे चांदी के बरक से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने आज इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। इसमें मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। देखिए मैंने अपनी सारी बर्फी को अच्छे से ड्राई फ्रूट से कवर कर दिया है और 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 15 मिनट बाद देखिए मेरी बर्फी अच्छे से ठंडी हो गई है और जम गई है। अब इसको हम काट लेंगे। पूरी लौंज के हम इसी तरीके से स्क्वायर शेप में टुकड़े कर लेंगे। और ये लीजिए मैंने अपनी सारी लौकी की लौंज के पीसेस कर लिए हैं। अब एक एक पीस को हम निकालेंगे। देखिए कितने आराम से मेरे पीसेस निकल रहे हैं। और ये देखिए मेरा एक एक पीस बिल्कुल अच्छे से निकल कर बाहर आ गया है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। इस पीस को हम एक लड्डू रखने वाले कप में रख देंगे। और ये देखिए आराम से मेरी लौकी की लौंज के पीसेस निकलते जा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स मेरी लौकी की लौंज बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, खाने में भी ये बहुत अच्छी है और साथ ही साथ बनाने में तो बहुत सरल है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।